अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी एक बड़ी मज़ेदार बड़ी यूनिक सी रेसिपी है और ये है एक चाट की रेसिपी और इसका नाम है बॉटल पोटैटो चाट। तो आप कहेंगे ये बॉटल बीच में कहाँ से आ गया, तो हाँ हम बताते हैं बॉटल इसका नाम क्यों पड़ा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में उतनी ही सिंपल झटपट बनने वाली है रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है इसे हमने उबाल के छील लिया है। 3 मीडियम साइज़ के आलू हमने लिए हैं और वज़न में तकरीबन 200 ग्राम होंगे। अब हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे इधर मोटी वाली साइड से। आलूओं को ग्रेट कर लिया है यानी कद्दूकस करके। अब हम मिलाएंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमने 1 टीस्पून से थोड़ा कम लिया है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, इससे ज़्यादा बहुत अच्छा आएगा हमारे चाट का। ये लिया है हमने 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, तो अब मैं इसे पूरा नहीं डालूंगी, अभी मैं थोड़ा सा बचा लूंगी यानी कि 3/4 मैं डाल रही हूँ और 1/4 बचा करके और इसे मिलाऊंगी। कॉर्नफ्लोर मिलाने से हमारी टिक्कियाँ जो बनेंगी क्रिस्पी बनेंगी। कॉर्नफ्लोर मिलाने के बाद हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लगने लगा है, जबकि हमने ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं मिलाया था, 1/4 कप से हमने बचा लिया था। तो अब हम डाल देंगे इसमें 1 या 2 चम्मच पानी और उसके बाद मिक्स करके देखेंगे। 2 चम्मच पानी मिलाने के बाद मिक्सचर अच्छा हो गया है, अब टिक्कियाँ आराम से बन सकती हैं और हमने टिक्कियों को एक स्पेशल यूनिक शेप देना है, तो उसके लिए मिक्सचर का अच्छे से मिलना ज़रूरी है। लीजिए जनाब, मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम ढक करके इसे 10 मिनट छोड़ेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आइए बना लेते हैं अब हम अपनी टिक्कियाँ। टिक्कियाँ हम एक ख़ास शेप में बनाएंगे, अब देखिएगा दोस्तों शेप तो इसका अच्छा है ही, मज़ा भी बहुत अच्छा आएगा। लेमन साइज़ का एक बॉल निकाल लेते हैं और फिर उसको गोल बनाएंगे स्मूथ। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा रफ लग रहा है या ड्राई लग रहा है तो हल्का सा हाथों में पानी लगा लीजिए, तो एक गोल सा हम टिक्की बना लेते हैं। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर है बॉटल पोटैटो चाट, तो अब हम लेंगे बॉटल, कोई सी भी बॉटल जो आपके घर में पड़ी हो, पानी की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, तो जो भी हो इस तरह की बोतल आप ले लीजिए। ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल, इसका नोज़ल देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसी को ले रही हूँ। और अब हाथ पे रखिए, ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना है। देखिए कितना अच्छा शेप बन गया है। ये हमारी टिक्कियाँ या पैटीज बन गई। एक पैन ले लेते हैं और पानी उसमें डाल करके उसको गर्म करते हैं। पानी उबल चुका है तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और उसके साथ ही हम डाल देंगे अपनी पैटीज़ को यानी कि आलू की टिक्कियों को। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट तक हम इन्हें बॉयल करेंगे। 3 मिनट बॉयल हो चुके हैं हमारे पैटीज़, तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे हल्के हाथों से और इस तरह के स्ट्रेनर में निकालिए आप, पानी नहीं रहे। इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो आइए देते हैं अपने बॉटल पोटैटो चाट को फाइनल टच। किसी बाउल में ले लेंगे हम। डालेंगे ऊपर से चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, नमक हम आलूओं में पहले डाल चुके थे तो हमारी टिक्कियाँ अब नमकीन है और चाट मसाला में भी थोड़ा नमक होता है, इसलिए हम ऊपर से नमक नहीं डालेंगे,
अब हम डाल देंगे नींबू का रस, आधे नींबू को हमने लिया है, मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। बड़ी चटपटी सी चाट हमारी तैयार हुई है। डाल देंगे थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी हो तो डालें वरना ना डालें, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बस ज़रा सा। तो ये हो गई तैयार हमारी बॉटल पोटैटो चाट, बड़ी यूनिक सी, बड़ी सिंपल और उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, आपको ये यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कुछ चटपटा, कुछ नया, कुछ मज़ेदार लेकर के। अल्लाह हाफिज़।